आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोमवार की रात करीबन 9:15 के आसपास हम सारे स्टाफ पिज्जा शॉप बंद करने की तैयारी में लगे थे। अभी हम टेबल कुर्सी समेट ही रहे थे कि इतने में ही बाहर काफ़ी जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हालांकि हम कैफे के अंदर थे, मगर एक मसला ये भी था कि बाहर की गंदगी कैफे के अंदर आने लगी थी, जिस वजह से हमने कैफे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर से अपने अपने काम पर लग गए। अभी हम अपना काम कर ही रहे थे कि तभी पिज्जा कैफे के लैंडलाइन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो उधर से आवाज़ आई, भैया मुझे पिज्जा मंगवाना था, ज़रा एड्रेस लिख लेंगे आप? जिस पर मैंने बोला, भाई साहब वो क्या है कि अब कैफ़े बंद होने जा रहा है तो अब डिलीवरी नहीं हो पाएगी। जिस पर वो आदमी बोला, सोच लो मैं डिलीवरी चार्ज डबल देने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। इस पर मैंने अपने सहकर्मियों से बात की तो उन्होंने कहा, ठीक है अगर अर्जेंट है तो हो जाएगा। फिर मैंने उस आदमी से उसका पता पूछा और फिर पिज्जा रेडी हो जाने के बाद बाइक लेकर निकल पड़ा उस पते की ओर। हवाओं की रफ्तार अभी भी काफ़ी तेज थी, शायद बारिश आने को थी। खैर मैं बाइक चलाता रहा। मैप के हिसाब से वो जगह मेरे यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जिस वजह से मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी ताकि मैं डिलीवरी करके जल्दी से वापस लौट सकूं। और ऊपर से मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। कुछ देर तक यूं ही बाइक चलाने के बाद मैं एक रेलवे फाटक पर पहुंचा। फाटक की डंडी गिरी हुई थी, जिस वजह से मैं ट्रेन के गुजरने का वेट करने लगा। कुछ देर के बाद जब ट्रेन गुजरी तो फाटक खुलते ही मैं फिर से उस कस्टमर के बताए एड्रेस की ओर आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ देर के बाद उस पते पर पहुंचकर मैंने कस्टमर के हाथों में पिज्जा पकड़ाया और पिज्जा के पैसे के साथ ही साथ डबल डिलीवरी चार्ज लेकर कैफे की ओर चलता बना। अब तक रात भी काफ़ी हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है कि रोड पर गाड़ियां भी कम ही चलेंगी। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरे हाथ पर आसमान से पानी की कुछ बूंदें टपकी। मुझे समझ आ गया कि बारिश को आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाइक को भगाना शुरू कर दिया। रास्ता एकदम ही सुनसान था और सबसे डरावनी बात कि जंगलों से घिरा हुआ था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी एक बाइक आकर मेरे साथ चलने लगी, मगर ना तो उस बाइक के चलने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी और ना ही उस बाइक की हेडलाइट वगैरह जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक बिना ऑन हुए ही चल रही हो। और ऊपर से उस रास्ते पर इतना अंधेरा था कि मैं उस बाइक चालक को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। बस इतना ही दिख रहा था कि कोई काली सी परछाई बाइक के ऊपर बैठी हो। और एक अजीब बात ये थी कि मैं अपनी बाइक को काफ़ी स्पीड भगा रहा था, मगर फिर भी उस बाइक वाले से आगे नहीं निकल पा रहा था। जैसे ही मैं उससे थोड़ा आगे निकलता कि अपने आप ही मेरी बाइक की स्पीड कम होता थी। खैर चलते चलते मैं फिर से उसी फाटक के करीब पहुंच चुका था। चूँकि वो बाइक वाला मेरे से आगे था तो उसने फाटक पार कर लिया, मगर मेरे फाटक तक पहुँचने पर फाटक बंद हो चुका था। पर मैंने देखा कि वो बाइक वाला फाटक को पार करके रेल लाइन के बीचों बीच खड़ा है, जबकि कायदे से तो अभी तक उसे उस वाले रेलवे फाटक से बाहर निकल जाना चाहिए था। अभी मैं उस बाइक वाले को देख ही रहा था कि इतने में ही ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। जब मैंने अपनी निगाहें दाईं ओर घुमाई तो पाया कि काफ़ी रफ्तार से एक सुपरफास्ट ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही है जिस पर कि अभी वो आदमी खड़ा था। मैंने कई दफ़ा उस बाइक वाले को आवाज़ लगाई, मगर वो आदमी मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसने एक बार भी पीछे पलटकर तक नहीं देखा।
और अंत में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ट्रेन उस आदमी और उसकी बाइक को रौंदती हुई आगे निकल गई। इस तरह का दर्दनाक नज़ारा देखकर मेरे हाथ पांव थरथराने लगे थे, मगर जब ट्रेन फाटक को पार करके आगे निकल गई तब सामने का नज़ारा और भी खौफनाक था। दरअसल वो आदमी अभी भी बाइक के साथ उसी ट्रैक पर खड़ा था जहां अभी तक उस आदमी को ट्रेन से कटकर कई टुकड़ों में बट जाना चाहिए था। वहीं उस आदमी के शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। फाटक खुलने के बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक इंच भी आगे बढ़ सकूं। कुछ पलों के लिए मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। तभी वो आदमी मेरी तरफ पलटा तो अचानक ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आने लगा। इतना सब देखकर मेरी चीख निकल गई और मेरी जोरदार चीख सुनकर बगल के रूम में बैठा गेटमैन बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? गेटमैन के ये बोलते ही वो बाइक वाला अपनी बाइक के साथ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने गेटमैन को पूरी बात बताई, जिस पर उसने कहा, यहाँ ऐसा होता रहता है। दरअसल कुछ वक्त पहले जल्दी फाटक पार करने के चक्कर में एक बाइक वाला ट्रेन के चपेट में आ गया था। तब से हर रात उसी बाइक वाले की आत्मा इस फाटक पर आती है और इसलिए ये फाटक रात के वक्त खाली रहता है। ये सुनकर डर से कांप रहा मैं और भी डर गया और उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी रात के वक्त उस फाटक पर गलती से भी नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।